तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे चार कैंडल स्टिक दिख रहे होंगे और चारों कैंडल स्टिक का जो कलर है वो आपको रेड दिखेगा, लेकिन ये चारों कैंडल स्टिक हमें अलग अलग स्टोरी बता रहा, अलग अलग कहानी बता रहा। अगर हम इन चारों कैंडल स्टिक को एक जैसा ट्वीट करेंगे, एक जैसा देखेंगे, तो हमें मार्केट में कभी भी प्रॉफिट नहीं बनेगा, हम कभी भी स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं। प्रॉफिट बनाने के लिए चारों कैंडल स्टिक के पास हमें अलग अलग जाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि आपका क्या हिंट और इंडिकेशन से आप क्या कहना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम पहले कैंडल स्टिक के ऊपर आते हैं। पहला कैंडल स्टिक हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे मार्केट में कम्प्लीटली सेलर्स का दबदबा है और सेलर्स मार्केट को कंट्रोल किए हुए, यहाँ पे बायर्स का कोई नामो निशान नहीं है। वहीं यहाँ पे अगर हम तीसरे कैंडल स्टिक पे आए तो तीसरा कैंडल स्टिक कलर रेड जरूर है, लेकिन ये आपका ज़्यादा निगेटिव हिंट और इंडिकेशंस नहीं दे रहा। सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि कैंडल कलर रेड और ग्रीन क्यों होता है। छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। मार्केट में हमेशा क्या चलता है, बायर्स और सेलर्स के बीच में यहाँ पे आपको हमेशा फाइट देखने को मिलता है। अगर बायर्स जीता तो कैंडल कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। अगर सेलर्स जीता तो कैंडल कलर क्या होगा, रेड होगा। यहाँ पे कैंडल कलर क्या है, रेड है, मतलब सेलर्स ने फाइट जीता है। लेकिन नीचे जो आपको टेल दिख रहा है, ये दिखा रहा है कि सेलर्स तो जीता है लेकिन डोमिनेंस किसका रहा, मार्केट में मोस्टली डोमिनेंस बायर्स का रहा, क्योंकि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ था उसके बाद ऊपर की तरफ गया, उसके बाद सेलर्स ने प्राइस को ड्रैग करके नीचे की तरफ लाया, फिर बायर्स ने अपना मोर्चा संभाला और प्राइस यहाँ से यहाँ तक ले गया। इसलिए यहाँ पे बायर्स का अच्छा खासा डोमिनेंस रहा। और जब भी ये कैंडलस्टिक दिखे तो आपको यहाँ पे क्या करना, आपको सेल साइड की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना। ये कैंडलस्टिक देख के अगर आप सेल साइड की तरफ जाओगे तो आपको नुकसान होगा, आप ट्रैप में फंस जाओगे। तो कैंडल कलर रेड जरूर है लेकिन ये हमें सेल साइड की तरफ हिंट और इंडिकेशंस नहीं देता है। तो सेम तरीके से ये कैंडलस्टिक हमें कुछ और कहानी बता रहा और ये कैंडलस्टिक हमें कुछ और कहानी बता रहा। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और इन चारों कैंडलस्टिक के बिहेवियर को समझते हैं, देखते हैं कि चारों कैंडलस्टिक हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए और यहाँ पे हमने TCS के डेली चार्ट को ओपन कर लिया और TCS के डेली चार्ट में हम इन चारों कैंडलस्टिक को अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं अलग अलग मार्केट सिचुएशंस में। तो सबसे पहले इन कैंडलस्टिक के बिहेवियर को समझ लेते हैं। पहला कैंडलस्टिक मैंने आपको बताया था, ये बता रहा है कि मार्केट में कंप्लीटली सेलर्स का दबदबा है, बायर्स का कोई नामो निशान नहीं है। ये कैंडलस्टिक भी हमें सेलर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा, लेकिन ये कैंडलस्टिक बता रहा कि जितना स्ट्रेंथ सेलर में यहाँ पे था वो स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम हुआ, यानी सेलर्स थोड़े से कमजोर जरूर हुए हैं। यानी अगर आप सेल साइड की तरफ जाना चाहते हैं तो दोनों कैंडलस्टिक देख के आप सेल साइड की तरफ जा सकते हो, लेकिन जितना कॉन्फिडेंस हमें इस कैंडलस्टिक पे दिखेगा उतना कॉन्फिडेंस हमें इस वाले कैंडलस्टिक पे नहीं दिखेगा। वहीं तीसरा कैंडलस्टिक के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, ये कैंडल कलर रेड जरूर है लेकिन ये आपको थोड़े बहुत सेलर्स के वीकनेस को इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि बायर्स मार्केट को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है। वहीं अगर हम फोर्थ कैंडलस्टिक के ऊपर बात करें तो फोर्थ कैंडलस्टिक हमें क्या दिखा रहा है, फोर्थ कैंडलस्टिक दिखा रहा है कि यहाँ पे जो बायर्स है वो आपके एक्टिव हो गए, यानी बायर्स का यहाँ पे प्रेजेंस दिख रहा है, लेकिन अभी भी मार्केट को कौन कंट्रोल किए हुए, अभी भी सेलर्स मार्केट को कंट्रोल किए हुए, अभी भी मार्केट में सेलर्स का दबदबा है। तो जब भी आपको ये कैंडलस्टिक दिखे तो समझ जाइए कि जो सेलर्स का स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ने अपना प्रेजेंस दिखा दिया, बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो गए और ये दोनों कैंडलस्टिक हमें ज़बरदस्त सेलिंग मोमेंटम को इंडिकेट करता है। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको इसी तरह का ग्रीन कैंडलस्टिक के ऊपर डिस्कस किया था, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप आई बटन पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर आपको सेम टाइप ऑफ फोर कैंडलस्टिक दिखेगा लेकिन उसका कलर ग्रीन होगा। और अगर आप दोनों कैंडलस्टिक को एक साथ मार्केट में अप्लाई करोगे तो आपको और बेहतर मार्केट के कंडीशंस को समझने में हेल्प मिलेगा। तो चलिए इन चारों कैंडलस्टिक को हम लाइव चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। ये नहीं बताया, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये कैंडलस्टिक दिख रहा होगा, ये इन चारों में से कौन सा नंबर का कैंडलस्टिक है। यहाँ पे आपको तीसरा नंबर दिख रहा होगा, ये आपका थर्ड नंबर का कैंडलस्टिक है। मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था, कैंडल स्टिक का कलर वेट जरूर है लेकिन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बायर्स मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे भी देखिए ये कैंडल स्टिक दिखा रहा है कि यहाँ पे बायर्स मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए प्राइस आपका ऑल द वे ऊपर की तरफ निकला है। तो इसलिए मैंने आपको बोला ये कैंडल स्टिक का कलर वेट जरूर है लेकिन ये कैंडल स्टिक देखने के बाद आपको यहाँ पे सेल साइड की तरफ नहीं जाना, अगर आपको जाना भी है तो आप बाई साइड की तरफ जाना प्रेफर कर सकते हैं। और ये कैंडलस्टिक फॉर्म होने के बाद अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो ये कैंडलस्टिक का लोएस्ट पॉइंट का आप ऐसे लगा के आप यहाँ पे बाई साइड की तरफ जा सकते हो। और यहाँ पे कैंडल का प्लेसमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है कि कैंडल कहाँ पे बन रहा है।
अगर ये कैंडलस्टिक आपको गिरते हुए मार्केट में फॉर्म हो रहा है तो समझ आइए कि गिरते हुए मार्केट आपका स्टॉप होने वाला है, यानी मार्केट का गिरावट बंद होने वाला है। अगर ये आपका अपसाइड मार्केट में ये कैंडलस्टिक फॉर्म हो रहा है तो इसका उतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा। आप बोल सकते हैं कि अपसाइड मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू हो सकता है, फिर इसका कोई उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता। तो कैंडल का टाइमिंग और प्लेसमेंट भी इंपॉर्टेंस होता है। जैसे यही कैंडलस्टिक को ले लें, अगर ये आपका गिरते हुए मार्केट में फॉर्म होता है तो समझ जाइए कि ये दिखा रहा है कि सेलर्स कमज़ोर हो रहा, यानी सेलर्स में वीकनेस दिख गया और सेलिंग मोमेंटम आगे कभी भी बंद हो सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है। और अगर ये अपसाइड मार्केट में फॉर्म होता है तो फिर इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसके बाद मार्केट आपका बहुत ज़्यादा गिरता है। तो प्लेसमेंट पे भी फोकस करना, वो भी आपको यहाँ पे सीखना है। तो यहाँ पे हमने थर्ड कैंडलस्टिक को रिप्रेजेंट किया कि यहाँ पे दिखा रहा है कि बायर्स मार्केट को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे देखिए सेम चीज़ हमें लाइव चार्ट में भी दिख रहा है, ये कैंडल फॉर्म होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया है। तो इसलिए आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि कैंडल के कलर पे नहीं जाना, आपको उसके बिहेवियर को सीखना। बिहेवियर सीख जाओगे फिर आपको प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अब इस वाले कैंडलस्टिक पे फोकस करो, ये आपका पहला नंबर का कैंडलस्टिक है। ये दिखा रहा है कि मार्केट में सेलर्स का दबदबा है, बायर्स का नामो निशान नहीं है। यानी ये कैंडलस्टिक बनते ही मार्केट चाहे कहीं पे भी हो हम सेल साइड की तरफ जाएंगे। और देखिए उसके बाद प्राइस आपका नीचे की तरफ गिरा और इसके जस्ट बाद आपका सेकेंड नंबर का कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ है। ये क्या दिखाया, जो सेलर्स का जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा कम हुआ है, मार्केट यहाँ से और नीचे की तरफ जाएगा लेकिन जो सेलर्स का स्ट्रेंथ है वो थोड़ा सा कम हुआ है। और ये कैंडलस्टिक बनने के बाद अगला देखिए ग्रीन कैंडल बन गया। तो सारा कुछ स्टोरी आपको समझना है कि सेलर्स के पास यहाँ पे पूरा का पूरा ताकत था, ताकत थोड़ा सा कम हुआ है और यहाँ पे इसके बाद आपको इसको ट्वीट करना है। यहाँ पे बायर्स का प्रेजेंस आ गया, बायर्स का प्रेजेंस आने के बाद बायर्स ने मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश किया। तो इस तरीके से पावर का ट्रांसफर हो रहा सेलर्स से बायर्स के बीच में, वो आपको यहाँ पे समझना है। तो हमने तीन कैंडलस्टिक के बिहेवियर को समझ लिया, पहला, दूसरा और तीसरा। अब हम आते हैं चौथा कैंडलस्टिक जो कि आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस कैंडलस्टिक को अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो कैंडलस्टिक का प्लेसमेंट कहाँ पे है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है उसके बाद फॉर्म हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये आपका अपसाइड मार्केट में कैंडलस्टिक बनता है तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर ये गिरते हुए मार्केट में बनता है तो फिर इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। तो देखिए मार्केट ऊपर जा रहा था, बना है, मतलब यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि सेलर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर सेलर्स स्ट्रांग हो गए हैं मतलब क्या है कि प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। बायर्स एक्टिव जरूर है, बायर्स पहले से मार्केट कंट्रोल किए हुए थे और यहाँ पे बायर्स एक्टिव हमें दिखेंगे ही दिखेंगे क्योंकि पावर का शिफ्ट हो रहा है। तो बायर्स एक्टिव जरूर है, वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन सेलर्स यहाँ पे मजबूत हुए वो दिखा रहा है। उसके बाद देखिए प्राइस आपका ऑल द वे नीचे की तरफ गया। तो आपने देखा कि कैसे पावर का ट्रांसफर हो रहा, कैसे ये सारा कैंडलस्टिक हमें अलग अलग स्टोरी बता रहा चार्ट पे। अगर आप ये सारे कैंडलस्टिक को पहले से आइडेंटिफाई कर लेते तो क्या आप इस तरह के मूव को पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे, और प्रिडिक्ट कर सकते थे तो क्या प्रॉफिट नहीं बना सकते थे। बनाना आसान है, बस आपको लाइव मार्केट में अपना माइंड ओपन रखना है, कैंडलस्टिक को आइडेंटिफाई करना। मैं नाम याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस आपको बिहेवियर समझने के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर हम और चलते हैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे, वहाँ पे भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत एग्जांपल हम वहाँ से भी उठाते हैं। तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे आ गए। अब यहाँ पे देखिए ये कौन सा कैंडलस्टिक बना, ऊपर में भी छोटा सा टेल है और नीचे में भी छोटा सा टेल है। वो टेल कहाँ पे दिख रहा है, दूसरे नंबर के कैंडलस्टिक में दिख रहा है। ये आपका दूसरा नंबर का कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ है और ये क्या बता रहा है कि सेलर थोड़े से कमज़ोर जरूर हुए लेकिन मार्केट और नीचे की तरफ जाएगा। और इसके बाद देखिए मार्केट आपका नीचे की तरफ गया भी है। यानी जब भी इस तरह का कैंडलस्टिक फॉर्म होता है इसके बिहेवियर को रिस्पेक्ट किया जाता है, लगभग 70-80% इसके बिहेवियर को रिस्पेक्ट किया जाता है। कभी कभी यहाँ पर हमें फॉल्स इंडिकेशन भी मिलता हुआ दिखता है, तो उसको भी आपको आइडेंटिफाई करना और उसके ऊपर भी हम आगे आने वाले टाइम में वीडियो बनाएंगे कैसे आप इन सारे कैंडलस्टिक के फॉल्स बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ मैंने आपको बताया था, ये वाला कैंडलस्टिक देखिए फोर्थ नंबर कैंडलस्टिक आपका यहाँ पे फॉर्म हुआ है। ये हमें क्या बता रहा, सबसे पहले कैंडलस्टिक के प्लेसमेंट को देखना, अपसाइड मार्केट बना है मतलब ये आपका निगेटिव हिंट और इंडिकेशन दे रहा दिखा रहा है कि बायर्स से पावर का शिफ्ट हुआ है सेलर्स में, सेलर्स स्ट्रांग हुए, उसके बाद क्या होगा प्राइस नीचे की तरफ जाएगा और प्राइस आपका नीचे की तरफ गया भी है। तो इस तरीके से आप इन चारों कैंडलस्टिक को चार्ट पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट मूव को कुछ हद तक गेस भी कर सकते हैं और आप प्रॉफिट भी बना सकते हो। देखा कितना सिंपल था इन सारे कैंडलस्टिक को चार्ट पे आइडेंटिफाई करना, बस आपको प्रैक्टिस करना। वीडियो देखने से प्रॉफिट नहीं बनेगा, प्रैक्टिस से बनेगा। तो आपको वही एक्सपीरियंस गेन करना है और वही आपको काम आएगा।
सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए, ताकि हम इस तरह के कंटेंट के ऊपर और भी वीडियो बनाते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को लेके। जय हिंद।